हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं केपी वुमेन वर्सेस एसबीसी वुमेन के बीच में होने वाला मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच स्टार्ट होने में अभी भी यहाँ पर लंबा 7.5 घंटा बाकी, 7.5 घंटा बाकी है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको मैं दो टीम दे रहे हैं, आपको स्क्रीन पे देख सकते हो। ये जो टीम वन है दोस्तों, आप इस टीम को स्मॉल लीग और यहाँ पर हेड टू हेड के लिए खेल सकते हो। जो टीम टू है दोस्तों, आप इसको ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग पे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो टीम बनाए। ये दो टीम बनाने के लिए पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन को मैंने पढ़ा, वही इन्फॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। एग्जाम्पल हो गया दोस्तों दोनों टीम के बीच मैच डिटेल्स, उसके बाद दोस्तों पिच रिपोर्ट, टीम फॉर्म, ग्रैंड लीग के लिए आपको कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद केपी वुमेन के किस प्लेयर को लेना चाहिए, एसबीसी वुमेन कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहीं पर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये बायजूस एशिया का एसीए का आज पहला T20 मैच है ये, तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स टेबल तो नहीं मिलने वाले हैं, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहीं पर देने वाला हूँ। उसके बाद एक और मेन चीज़ है दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर, उसके साथ साथ दोनों टीम की जो है दोस्तों यहाँ पर विकेट कीपिंग, फेस बॉलर कौन है, ये सारा इन्फॉर्मेशन भी आपको जानना बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहीं पर देने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक और काम करना दोस्तों, पहले बार आप मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकॉन है दोस्तों उसको भी क्लिक करना, क्योंकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर बाय मिस्टेक अगर लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पे जाके @shatrughan225 चेक कीजिएगा दोस्तों। चेक करते आपको मेरे चैनल हो जाएंगे, 1320 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी जल्दी से ज्वाइन कर लेना। तो अगर लिंक यहाँ पर भी ओपन नहीं होता तो क्रिकेट विद एससी जाके सर्च करेंगे दोस्तों, तो मेरे चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो टेलीग्राम पे मैं सारा इन्फॉर्मेशन यहीं पर शेयर करना, तो मस्ट एंड शुड टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मैच देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कपिली प्रिंसेस वुमेन वर्सेस सुबनसिरी चैम्प्स वुमेन्स के बीच में होने वाला है दोस्तों ये मैच, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद देख सकते हो दोस्तों, ये जो पहला T20 मैच है बायजूस एशिया वुमेन्स T20 का, और ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 8:30 बजे सवेरे होने वाला है, और ये मैच अमिनगांव क्रिकेट ग्राउंड गुवाहाटी इंडिया में खेला जाएंगे। तो दोस्तों, ये बायजूस एशिया का लीग है दोस्तों, असम का लीग है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, दोनों टीम की कॉम्बिनेशन, इसका मतलब बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर कपिली प्रिंसेस की बात करें दोस्तों, यहाँ पर ज्योति देवी और यहाँ पर नीलाखेया ही बोरा आपको ओपनिंग करते नजर आएंगे। अर्चना दत्ता की बात करें, मंडोन पे बैटिंग करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर संगीता साइकिया एंड नम्रता दास आपको मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। उसके बाद यहाँ पर जेनेवी पांडो इस टीम का कप्तान के साथ, इसके साथ एक अच्छे ऑलराउंडर भी है। ज्योति देवी आपको विकेट कीपिंग करते नजर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर सजानिका देखा आपको स्पिन बॉलिंग करने वाले हैं दोस्तों। इसके साथ साथ मधुमिता बैश्या एंड रूपश्री साइकिया आपको यहाँ पर फेस अटैकिंग को संभालने वाले हैं। तो वही दोस्तों, यहाँ पर सुबनसिरी चैम्प्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो सपना चौधरी और रेशमी दे आपको विकेट की ओपनिंग करते नजर आएंगे। खुशी शर्मा इस टीम का कप्तान के साथ एक अच्छे ऑलराउंडर है। सपना चौधरी आपको विकेट कीपिंग करते भी नजर आएंगे दोस्तों। यहाँ पर उमा राणा आपको वन डाउन पर बैटिंग करेंगे और मनसी बोवाल और यहाँ पर बीरोश्री यहाँ पर आपको मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। यहाँ पर पोम्पी गोगाई आपको स्पिन बॉलिंग करते नजर आएंगे दोस्तों। यहाँ पर डिम्पी बुयान और यहाँ पर मोम्पिया दास आपको फेस अटैकिंग को संभालेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों टीम की जो बैटिंग और बॉलिंग, यहाँ पर सब कुछ ऑर्डर आपको मैंने शेयर किया। तो दोस्तों, यहाँ पर केपी वुमेन से आपको किस प्लेयर को लेना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैं 7 प्लेयर मेंशन कर रहा हूँ। ज्योति देवी विकेट कीपर है। उसके बाद यहाँ पर नीलाखा ही बोरा, अर्चना दत्ता, संगीता साइकिया, उसके बाद यहाँ पर जेनेविया पांडो, कराबी भक्ता, उसके बाद एम बाइशिया। तो दोस्तों, ये 7 जो प्लेयर है, ये 7 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है केपी वुमेन का। और वहीं यहाँ पर एसबीसी सुबनसिरी चैम्प्स की बात करें तो यहाँ पर रश्मि दे, खुशी शर्मा, निकिता देव, उसके बाद यहाँ पर पंपो गोगाई है दोस्तों। यहाँ पर तो खुशी शर्मा, निकिता देव ऑलराउंडर है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर सिंबल देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ग्रैंड लीग के लिए आपको मैं 3 प्लेयर दे रहा हूँ, के शर्मा, के भक्ता, जी पांडे दोस्तों। ये तीनों प्लेयर का आपको 100% टीम में रखना पड़ेगा, चाहे आप स्मॉल लीग खेले, ग्रैंड लीग खेले, हेड टू हेड, मिनी ग्रैंड, जो भी लीग आप खेलोगे तीनों प्लेयर को 100% टीम पे रखना है दोस्तों। ये तीनों प्लेयर आपको ग्रैंड लीग जिता सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पहला ही मैच है, क्योंकि यहाँ पर इतने ही इन्फॉर्मेशन है। ये पहला मैच है दोस्तों T20 का, उसके बाद दूसरा T20 मतलब बायजूस एशिया का जो भी लीग, जो भी मैचेस होगा, सारा मैचेस में आपको कवर करके देने वाला। तो चलिए दोस्तों, एक बार टीम देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आपको दो टीम दिखाने वाला है दोस्तों। तो पहला टीम हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो विकेट कीपर तो तीन है, लेकिन यहाँ पर ज्योति देवी और सपना चौधरी इनमें से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं सपना चौधरी के साथ जा रहा हूँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीन बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ए दत्ता, एस साइकिया, उसके बाद आर दे। दोस्तों ये तीन बैट्समैन आपको यहाँ पर काफी है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट चार ऑलराउंडर है दोस्तों, ये चार ऑलराउंडर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर ये चार ऑलराउंडर को मैं पिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी में आप यहाँ पर जोजाय साइकिया और यहाँ पर जी जर्मान है दोस्तों, ये तीनों बॉलर्स को मैंने पिक किया। तो दोस्तों यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की भी बात करें, यहाँ पर जी पांडा और यहाँ पर के भक्ता है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ पर विकेट कीपर पे यहाँ पर सपना चौधरी और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैट्समैन पे ए दत्ता, एस साइकिया, आर दे है दोस्तों यहाँ पर। और गेंदबाजी ऑलराउंडर्स में के शर्मा, के भक्ता, जी पांडा, एन देव है। तो उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में साइकिया बर्मान और यहाँ पर पी गोवाई है दोस्तों। तो ये मेरा पहला टीम है स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ग्रैंड लीग के लिए। तो ग्रैंड लीग के लिए बात करें तो आप यहाँ पर टीम देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैं यहाँ पर सपना चौधरी के साथ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप चाहे रिस्क लेना चाहते हो, ज्योति देवी भी एक अच्छी प्लेयर है दोस्तों, आप इनको कंफर्म कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं चार बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ, स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो आपको मैं टीम प्रीव्यू में दिखा दूंगा, बोरा है, ए दत्ता, साइकिया, आर दे है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद ऑलराउंडर्स में यहाँ पर तीन ऑलराउंडर के साथ जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, के शर्मा, जी पांडव और एन देव है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद गेंदबाजी में यहाँ पर आप जोजाय साइकिया और जी बर्मान है दोस्तों। तो ये तीन बॉलर रहने वाले हैं। तो दोस्तों एक बात समझ लेना, एक टीम प्रीव्यू एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कैप्टन पे यहाँ पर ए दत्ता है, उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी पे के शर्मा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो दोस्तों एक बात समझ लेना, ये जो दो टीम भी हैं दोस्तों, अगर इसमें एक भी प्लेयर मिस होते हैं और ये पहला T20 मैच है दोस्तों, तो आपको टीम बनाने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल टीम आपको मैं अपडेट में कर दूंगा। लाइनअप अनाउंस होने के बाद मैं थोड़ा टीम बदलूंगा दोस्तों, मैं एक ही टीम दूंगा। वो टीम आप स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग हेड टू हेड के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन जो मेरा हेड टू हेड की विनिंग रेशियो दोस्तों यहाँ पर 80+% है, मैं यहाँ पर 100% तो नहीं बता सकता, झूठ आपसे नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भगवान नहीं, कोई हर बार आपको मैं जिता, तो कभी कभी मैं भी हारता हूं, कभी कभी मैं भी जीतता हूं। तो दोस्तों यहां पर आपको 80% हेड टू हेड विनिंग टीम है दोस्तों। अगर आप हेड टू हेड मेरे टीम के साथ खेलेंगे तो आपको यहां पर मैं बता रहा हूं 100 में 80% आपको विनिंग मिलेंगे। तो यहां पर जो एफर्ट है दोस्तों मेरे 80% है, अगर 20% आप भी एफर्ट लगाएंगे तो आप ग्रैंड लीग, हेड टू हेड जो भी लीग आप चाहेंगे, कोई भी लीग को आसान से क्रैक कर देंगे। तो टेलीग्राम चैनल को मस्ट एंड शुड ज्वाइन करना दोस्तों, 1320 यूजर्स ज्वाइन कर चुके हैं, इसको आप जल्दी से 1350 आपको ही बनाना पड़ेगा, आपके हाथ में है। तो दोस्तों यही है पूरी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। थैंक यू।